सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, हिंदी विषय में हमेशा से ही रचनाएं पूछी जाती हैं, यानी कि कौन कौन सी रचना किसकी है, किस कवि की है, इसके अलावा कौन कौन सी पत्रिकाएं, कौन कौन से लेखकों के द्वारा या कौन कौन सी पत्रिकाएं, कब उनका प्रकाशन हुआ था, संपादन किसने किया था, इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो ये क्वेश्चन, ये जो वीडियो है इसी से संबंधित है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। सारे के सारे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से करिएगा और जितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं लास्ट मुझे जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे क्योंकि एग्जाम और बहुत नजदीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन है, कवि वचन सुधा नामक पत्रिका के प्रमुख संपादक थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो कवि वचन सुधा नामक जो पत्रिका थी इसके संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवि वचन सुधा नामक पत्रिका के प्रमुख संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, इनका नाम याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू है, सरस्वती नामक पत्रिका के संपादक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरस्वती नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है, मतवाला नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शंस हैं बाबू गुलाब राय, धर्मवीर भारती, बालकृष्ण शर्मा नवीन या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर फोर पर आते हैं, हंस नामक पत्रिका के संपादक हैं राजेंद्र यादव, रामवर सिंह, मृणाल पांडे या बनारसी दास चतुर्वेदी। दोस्तों, हंस नामक जो पत्रिका है, अभी यहाँ पर देखिए संपादक हैं पूछा है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा राजेंद्र यादव। और हंस नामक पत्रिका के संपादक थे जब पूछेगा तो आप लोग यहाँ पर बताओगे प्रेमचंद, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, संपादक हैं प्रेजेंट में, तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो रहा है, लेकिन हंस नामक पत्रिका के संपादक कौन थे अगर पूछेगा तो आपको क्या लिखना है, प्रेमचंद, या आंसर पे क्या टिक करना है, प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर फाइव पर आते हैं, जगत विनोद नामक रचना किसकी है? अभिनव गुप्त, पद्माकर, केशव या बिहारी। जगत विनोद नामक रचना किसकी है? राइट आंसर है पद्माकर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर, नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? भरत मुनि, मम्मट, दंडी या राजशेखर। तो नाट्य शास्त्र के रचनाकार है भरत मुनि, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, आपको सारे के सारे विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, हर एक विषय के वीडियोस को आप देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। इसलिए क्वेश्चन नंबर सेवन को देखते हैं, साहित्य दर्पण के रचनाकार हैं पंडित जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ, भानु मिश्र या हेमचंद्र। तो राइट आंसर दोस्तों यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य विश्वनाथ। साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है? आचार्य विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर एट पर आते हैं, रस मीमांसा के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, रस मीमांसा के रचनाकार मम्मट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद या फिर रामचंद्र शुक्ल। जल्दी दोस्तों आप लोग राइट आंसर बताइए, यहाँ पर बहुत आसान है, राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल रस मीमांसा के रचनाकार हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन पर आते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी रचनाएं हैं, जितनी पत्रिकाएं हैं, इनके संपादक कौन है, इनके रचनाकार कौन है, साहित्य से हर साल क्वेश्चन आता है आप लोगों के एग्जाम में। तो दोस्तों ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आप लोग के एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं इसके ऑप्शंस को। परीक्षा गुरु नामक उपन्यास के रचनाकार कौन है? श्रद्धाराम फुलैरी, लाला श्रीनिवास दास, लज्जा राम शर्मा या किशोरी लाल गोस्वामी। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु नामक उपन्यास के रचनाकार है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, परीक्षा गुरु नामक उपन्यास के रचनाकार कौन है? लाला श्रीनिवास दास, याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर, नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के उपन्यासकार लाला श्रीनिवास दास, लज्जा राम शर्मा, गोपाल राम गहमरी या फिर बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, गबन नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो आपको अच्छे से पता है कि गबन रचना किसकी है,
फिर भी मैं ऑप्शंस पढ़ देती हूँ, किशोरी लाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय और प्रेमचंद, या पांडे बेचन शर्मा उग्र। गबन, गोदान, इसके अलावा मंगलसूत्र, ये सब प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। इसके अलावा कलम का सिपाही भी इन्हीं की रचना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। ठेठ हिंदी का ठाट नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा। तो ठेठ हिंदी का ठाट के जो उपन्यासकार हैं उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय इनका नाम है और इनका उपनाम है हरिऔध। कई बार एग्जाम में यही पूछ लिया है कि इनको किस उपनाम से जानते हैं, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय को हरिऔध के नाम से जानते हैं और पांडे बेचन शर्मा को उग्र के नाम से, इनका जो संक्षिप्त नाम था वो उग्र था। इस तरीके से इनके जो उपनाम है उनको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। देहाती दुनिया नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? देहाती दुनिया नामक उपन्यास के उपन्यासकार विश्वंभर नाथ शर्मा, शिवपूजन सहाय, बेचन शर्मा उग्र, या भगवती चरण वर्मा। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवपूजन सहाय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, सवही नचावत राम गोसाई, या इनमें से सभी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो ये सब भगवती चरण के उपन्यास हैं, चित्रलेखा, भूले बिसरे मित्र, सवही नचावत राम गोसाई। क्वेश्चन नंबर 15 है। वैशाली की नगर वधु नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? वैशाली की नगर वधु, नागार्जुन, चतुरसेन शास्त्री, श्री लाल शुक्ल, या गिरिराज किशोर। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतुरसेन शास्त्री। नगर वैशाली की नगर वधु के रचनाकार कौन है? चतुरसेन शास्त्री, याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 है। मैला आंचल नामक प्रथम आंचलिक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? मैला आंचल यह उपन्यास किसने लिखा था? मैला आंचल, नागार्जुन, भीष्म साहनी, फणीश्वर नाथ रेणु, या उषा प्रियंवदा। दोस्तों यहां पर राइट आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। तमस नामक उपन्यास के उपन्यासकार हैं धर्मवीर भारती, भीष्म साहनी, अमृतलाल सागर, या कमलेश्वर। दोस्तों आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस पर ही एग्जाम में नंबर अच्छे मिलते हैं। जितना प्रैक्टिस आप इसको जितना प्रैक्टिस आप करके जाएंगे, अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करके जाएंगे, उतना ही आसान होगा आपके लिए पेपर सॉल्व करना। तो जितने क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जा रहे हैं, चाहे हर विषय के आप हर एक वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाए, ताकि आप सभी लोग एग्जाम में जाकर के अच्छा स्कोर करके आए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं राइट आंसर क्या है। तमस नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? भीष्म साहनी, ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है। राग दरबारी नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? राग दरबारी नामक उपन्यास के उपन्यासकार श्री लाल शुक्ल, राजेंद्र यादव, अमृतलाल नागर, या कमलेश्वर। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री लाल शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। चंदायन किसकी रचना है? चंदायन किसकी रचना है? विद्यापति की, मलूकदास की, मुल्ला दाऊद की, या मंजन की। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुल्ला दाऊद की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। विनय पत्रिका किसकी रचना है? विनय पत्रिका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान। विनय पत्रिका किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास, ईश्वरदास, केशवदास, या सेनापति। तो गोस्वामी तुलसीदास की रचना है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास जी की। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? बार बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद बरदाई। चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं, चंद बरदाई जी, और जगनीकृत परमाल रासो। परमाल रासो ये जगनिक की कृति है, तो याद रखिएगा जगनीकृत परमाल रासो और चंद बरदाई किसके रचनाकार हैं? पृथ्वीराज रासो। इसमें पृथ्वीराज चौहान जो कि राजा थे, उनकी शासन व्यवस्था के बारे में बताया गया है, उनके राजसी ठाट बाट के बारे में बताया गया है, और किसने लिखा है, ये जो लेखक हैं इसके रचनाकार चंद बरदाई जी, इन्होंने पृथ्वीराज जी के बारे में लिखा है।
याद रखिएगा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, लेकिन यहाँ पर जगनीकृत परमाल रास हो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये भी पूछा गया है एग्जाम में, जगनिक और चंदबरदाई। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन रचनाएं केशव दास की हैं? कौन सी रचनाएं हैं जो केशव दास जी की हैं? रामचंद्रिका भी है, कवि प्रिया भी है, रसिक प्रिया भी है, तीनों की तीनों है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, ये तीनों ही रचनाएं इनकी हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं तुलसीदास जी की हैं? कवितावली, दोहावली, गीतावली, ये तीनों ही है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो तुलसीदास जी की रचनाएं कवितावली, दोहावली, गीतावली तीनों है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं तुलसीदास जी की हैं? सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। दोस्तों यहाँ पर भी ये तीनों की तीनों रचनाएं सूरदास जी की हैं। इन सब रचनाओं को आप याद रखिए, एग्जाम में दूसरी तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी तीनों के तीनों सा से हैं, आप देख सकते हो, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भूषण की रचनाएं हैं? शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, अलंकार प्रकाश, या इनमें से सभी? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो ये सारी की सारी रचनाएं भूषण जी की हैं, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, अलंकार प्रकाश, इनमें से सभी। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं भूषण की हैं? फिर यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर भूषण जी की रचनाएं दिखाई गई थी, फिर यहाँ पर देखिए राम की शक्ति पूजा, गीतिका, नए पत्ते। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा है इनमें से कौन सी रचनाएं भूषण जी की नहीं है। दोस्तों यहाँ से आप देखिए, राम की शक्ति पूजा, गीतिका, नए पत्ते, ये तीनों ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं, तो यहाँ पर क्वेश्चन में होना चाहिए था इसमें से कौन सी रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तीनों की तीनों रचनाएं किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। और भूषण जी की रचनाएं तो आपने ऊपर अभी यहाँ पर देखी हैं, और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं। वह तोड़ती पत्थर भी इन्हीं की रचना है, गीतिका, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, ये सब किसकी रचनाएं हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। सूर्यकांत त्रिपाठी जी को निराला की उपाधि मिली थी, निराला इनका उपनाम। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत की हैं? पल्लव, चितंबरा, लोकायतन, या इनमें से सभी? तो ये सारी की सारी रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत की हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं? उर्वशी, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, या इनमें से सभी? तो कौन सी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं? तो राइट आंसर दोस्तों यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, ये तीनों के तीनों। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने टोटल 28 टॉप 28 क्वेश्चंस को किया। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर अभी तक आपने नहीं किया है। आपको अच्छी अच्छी वीडियोज ऐसे ही मिलती रहेंगी, और अगर आपको इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको सभी विषयों की वीडियोज मिल जाएंगी, आप सारे के सारे विषयों की वीडियोस को देखिए। इस तरीके के क्वेश्चंस ढेर सारे मैंने करवाए हैं ताकि आप लोग की तैयारी बेहतर हो। और वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और कमेंट जरूर किया करिए वीडियो पर आपको कैसा लगा, और आपको किस विषय पर वीडियोस और चाहिए। यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक कर दिया करिए, ताकि यहाँ से आई बटन पर क्लिक करके भी आपको सारे के सारे वीडियोज की लिंक मिल जाएगी, और सभी विषयों की प्लेलिस्ट हमने बना दी है, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप लोग इसको अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, अपने बेस्ट फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, आप लोग अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा, और चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद।